पेशे से एयर होस्टेस रही एक महिला एनीसिया बत्रा दिल्ली के पंचशील पार्क में अपने घर के नीचे मृत मिली है। कहा जा रहा है कि 49 साल की एनीसिया बत्रा ने अपने घर की छत से कूदकर खुदकुशी की, लेकिन इस मौत का मामला उलझता जा रहा है। एनीसिया के घर वालों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ अक्सर मारपीट होती थी और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने इसके लिए एनीसिया के पति मयंक सिंघवी को जिम्मेदार ठहराया है। मेरी बहन ने हम सबको मैसेज भेजा अराउंड 2 बजे कि प्लीज़ हेल्प, पुलिस को बुलाओ, इसने मेरे को कमरे में लॉक किया हुआ है एंड इसने मेरा फ़ोन लिया था, मेरे को अभी अभी फ़ोन वापस मिला है, सो प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कॉल द पुलिस। और फिर अराउंड 4 o'clock इसका मैसेज आया कि ही इज़ बिकॉज ऑफ हिम माई लाइफ इज़ गोइंग टू गो, मेरी ज़िंदगी ये ले रहा है आदमी, प्लीज़ इसको छोड़ना नहीं, ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है मेरी लाइफ का। इस हादसे से ठीक 1 महीने पहले एनीसिया के घर वालों ने पुलिस में जाकर उसके पति मयंक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पिछले महीने बात इतनी बिगड़ गई थी कि मेरे माँ बाप को यहाँ पर आना पड़ा और जब हम यहाँ आए हमने देखा कि वो क्या कर रहा था और मयंक ने मेरे खुद की मदर को भी मारा। तब मेरे फादर ने आके यहाँ पर इसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाया क्योंकि हमें वापस जाना था, मेरी मदर का मेडिकल कंडीशन था तो 1 महीना रहने के बाद फिर वापस जाना था। तो उन्होंने यहाँ पर लिखवाया कि अगर कि हस्बैंड उसको अब्यूज़ करता है, मारता है, और अगर हम सबको टेंशन था उसकी सिक्योरिटी का कि अगर कुछ हुआ उसको, फिजिकल हार्म आया, तो ये 3 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये 27 जून को इसी पुलिस स्टेशन में मेरे फादर ने एक रिपोर्ट वहाँ पर पूरा लेटर सबमिट किया है। घर वालों ने एनीसिया के ससुराल वालों के अलावा दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बेटी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज वो जिंदा होती। दिल्ली पुलिस फिलहाल घर वालों से पूछताछ कर रही है।